नमस्कार। क्या स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ स्वस्थ आहार लेना ही पर्याप्त है? दरअसल भोजन के पहले और भोजन के बाद की आपकी गतिविधियों का भी प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। ज्यादातर लोग पौष्टिक भोजन ही करते हैं, लेकिन इससे ठीक बाद ढेर सारा पानी पीने या सीधा बिस्तर पर जाने की आदत होती है। ये सारी चीजें अच्छे से ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि ये हमारे पाचन शक्ति को बाधित करती है। तो आइए हम आज आपको बता दें कि भोजन के तुरंत बाद हमें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। पहला, फलों का सेवन बंद करें। बेशक फल पौष्टिक होते हैं, लेकिन भोजन के तुरंत बाद इनका सेवन नहीं करना चाहिए। फल बहुत जल्दी पच जाते हैं, इसलिए जब भोजन के बाद आप इनका सेवन करते हैं तो वो केवल एसिडिटी और गैस उत्पन्न करेंगे। इसके अलावा अधिक शुगर का स्तर पाचन को मुश्किल बना देगा। फल खाने का तरीका है कि फल अलग से खाया जाए। दो भोजन के बीच का समय, यानी ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का समय है 10-10:30 का, या लंच और शाम के नाश्ते के बीच का समय है 2:30-3 बजे का, ये जो समय है वहाँ फल अलग से खाए जाए। दूसरा, चाय से दूर रहे। खाना खाने के तुरंत बाद चाय से अपच हो सकता है। चाय की पत्तियों में एसिडिटी बहुत होती है। अगर आपके भोजन में प्रोटीन है तो चाय का एसिड इस प्रोटीन को सख्त कर देगा, इसे पचाना मुश्किल होगा और प्रोटीन का जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। भोजन के 2 घंटे के बाद आप चाय पी सकते हैं। तीसरा, पानी ना पिए। शरीर में पानी महत्वपूर्ण है, लेकिन भोजन के तुरंत बाद बिल्कुल नहीं, या भोजन के साथ भी बिल्कुल नहीं। ग्लास भर के पानी जब आप भोजन करने बैठे तब साथ में ना रखें। पानी का शीतलन प्रभाव होता है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन के तुरंत बाद पानी पीने से आपके पेट में जो एसिड है वो पतला हो जाता है। ये जो एसिड है हमारे पेट में, ये भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करते हैं, लेकिन अगर हमने पानी पी लिया तो इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है और फिर ये बराबर अपना काम नहीं कर पाएंगे। जो भी खाने के साथ इन्फेक्शन भी आएगा वो उसे मार नहीं पाएंगे। इसलिए जठराग्नि हमेशा तेज हो, मंद कभी ना हो। पाचन को बढ़ावा देने के लिए भोजन से 1/2 घंटा पहले या 1.5-2 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। चौथा, स्नान करने में जल्दबाजी ना करें। पाचन के लिए पेट में ऊर्जा रक्त प्रवाह के ट्रांसफर की आवश्यकता होती है। खाने के तुरंत बाद नहाने से शरीर के तापमान में कमी आ जाती है और इससे पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो सर्कुलेशन है वो अब चमड़ी पर आ जाएगा, वहाँ ज़्यादा काम करेगा, तो पाचन शक्ति जो स्ट्रांग होनी चाहिए वो नहीं रह पाएगी। तो स्नान करना है तो भोजन के पहले स्नान करें और फिर भोजन लें, या भोजन के 1-1.5 घंटे बाद स्नान करें। पांचवा, तुरंत चलने से करें परहेज। यह एक आम और गलत धारणा है कि भोजन के तुरंत बाद चलने से खाना अच्छा पच जाता है और वजन भी नहीं बढ़ता, कैलोरीज भी कम हो जाती है। हाँ, पैदल चलने से पाचन तो ज़रूर ठीक होता है, लेकिन खाने के तुरंत बाद इसे करना ये सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। और इसीलिए कहा जाता है कि भोजन के बाद कुछ कदम रखें, यूँ नहीं कि खाया और सोए। भोजन के बाद टहलें, थोड़ा सा चलें, कहीं रुकें, पेड़ पौधों को देखें, आकाश को देखें, फिर थोड़ा सा घूमें, यानी कि टहलना वो बहुत ज़रूरी है। कम से कम 100 से 200 कदम चलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन चलना और फास्ट चलना ये बिल्कुल ना करें। इतना याद रखें कि शारीरिक रूप से शरीर को कोई भी तनाव ना हो। छठा, अपनी नींद को रोके रखें। भोजन के बाद तुरंत सोने से पाचन क्रिया धीमी हो जाती और जागने के बाद सूजन, बेचैनी और पेट भरा भरा लगता है। इसके बजाय रात के खाना खाने के बाद 2 घंटे तक ना सोएं, उसके बाद सोएं। हालांकि इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको बाईं करवट ही सोना है। हमारा पेट बाईं ओर है। जब हम बाईं करवट सोते हैं तो गुरुत्वाकर्षण
पाचन द्रव्य को ऊपर और बाहर जाने से रोकता है। तरल पदार्थ पाचन में सहायता करते हैं और एसिडिटी जलन के जोखिम को भी कम करते हैं। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होता है, पेट से छोटी आंत और फिर बड़ी आंत में जाने के लिए सुविधा हो जाती है। तो ज़रूरी यह है कि हम खाने के बाद बाईं ओर ही लेट कर सोएं। यदि आप अपने द्वारा खाए गए भोजन का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो ये सारी गलत आदतों को तुरंत छोड़ दें। उसके बजाय आप कुछ स्वस्थ आदतों को अपना सकते हैं जो न केवल पाचन में मदद करेंगे बल्कि आपके दिमाग को भी शांत रखेंगे। अपने पेट पर बहुत अधिक दबाव डालने से बचने के लिए रात को आरामदायक कपड़े पहनकर ही सोएं। रात को सोते वक्त तंग कपड़े पहनने से एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। दोपहर के भोजन के बाद कोई भी मेडिटेटिव पोज, वज्रासन हो तो वज्रासन, अगर ना बैठ सके तो पलाठी मार के बैठना, वो भी ना बैठ सके तो कुर्सी पर सीधा बैठना बहुत ज़रूरी है। इस तरह बैठने से पाचन में सहायता मिलेगी। भोजन के बाद मन को शांत स्थिति में रखने के लिए निष्पंद भाव का अभ्यास जरूर करें। जरा आरामदायक स्थिति में बैठें, मन को शांत करें और आसपास जो भी आवाज़ें आ रही है उनको सिर्फ सुनें। उनके साथ अपने मन को ना बांधें, सिर्फ सुनने की स्थिति में रहें, पैसिव लिसनिंग, और ये मन को शांत कर देगा। निष्पंद भाव के बाद अगर आप घर में हैं या लेट सकते हैं तो ज़रूर शवासन में लेट जाएं। यह सचेत विश्राम की टेक्निक आपके दिमाग को शांत करेगी और पाचन में भी सुधार करेगी। तो अब निष्कर्ष तो यही है कि सही आदतों का पालन करने से पाचन में ज़रूर सुधार होगा। तो दिन काम करने के लिए है, रात सोने के लिए है, लेकिन दिन में थोड़ा आराम कर लेना अति आवश्यक है। इसीलिए ज़रूरी है कि खाने के बाद शांति से बैठा जाए। अगर आप ऑफिस में हैं तो भी शांति से बैठो, आवाज़ें सुनो, मन को इधर उधर मत भटकाओ और एक आनंद की स्थिति में आ जाओ। घर में हैं तो आप शवासन जरूर कर सकते हैं, लेकिन बुर्राटे ना भरें, एक छोटी झपकी ले लें, बहुत आपको रिफ्रेशिंग लगेगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो बस यही सब अच्छी आदतें डालें, अच्छा भोजन करें, सही स्थिति रखें तो स्वास्थ्य बिल्कुल सही ही रहेगा। बस आपकी आदतें सही होनी चाहिए। नमस्कार।